अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सभी खैरियत के साथ होंगे। एक नए ब्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं बना रही हूँ देसी पैनकेक्स यानी कि बेसन वाली रोटी। आटा गूंदने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो हमारे घर आई हुई थी डच विज़िटर, तो ये मैंने क्विक से पैनकेक्स बनाए थे यानी देसी पैनकेक्स बनाए थे। ब्लेंडर में मैंने आटा, गंदम का आटा और थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा मैदा, ये मैंने और साथ में पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था और अच्छा सा इसका पेस्ट बन गया था। और सूखा धनिया भी, हरा धनिया, प्याज, आलू भी आप डाल सकते हैं छोटे छोटे, वो मैंने इस वक्त नहीं डाले लेकिन आप ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है उससे ये। और नमक, लाल मिर्च, हल्दी और अजवाइन, बस ये चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें अब ये बिल्कुल पैनकेक्स की तरह ही मैं इसको कर रही हूँ, थोड़ा सा ये पतला है तो तभी ये ऐसे स्प्रेड हो रहा है और इसकी कोई बाउंड्री है वो नहीं बन रही, लेकिन यकीन माने बहुत ही मज़ेदार था। बच्चों के लिए और जो डच विजिटर थी उनके लिए मैंने बनाए थे ऑयल वाले और अपने लिए मैंने विदाउट ऑयल वाला बनाया था, तो बहुत ही मज़ेदार बना था और जो डच विज़िटर थी उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। और जो भी जब भी वो आती हैं तो मैं जाहिर सी बात है खाना बनाया होता है, पाकिस्तानी ही बनाती हूँ मैं, तो वो उनको मैं खिलाती हूँ तो वो इतना खुश होती हैं और इतना इंजॉय करती हैं ना, बल्कि हर बार मेरे से रेसिपी भी लेकर जाती हैं। और कई दफ़ा जब मैं उनको बताती हूँ कोई रेसिपी के इसमें इतना टाइम लगा, जैसे ज़रदा पुलाव, निहारी, इसके अलावा कोई और रेसिपी, तो वो इतना हैरान होती हैं, इतनी देर लगती है आपका खाना पकने में, हम लोगों का तो बहुत क्विक सा खाना होता है। इनका यूजुअली खाना यही होता है कि ब्रेड के ऊपर आप मक्खन लगा के या कोई स्प्रेड लगा के या चीज़ रख के खा लो, दैट्स इट। तो जनाब मेरे पास डिश वॉशर भी है, तो आपको बता दूँ मैंने हाथ से बर्तन धोने वाली वीडियो भी बनाई थी, तो बहुत सारे लोग जो थे वो हैरान हो रहे थे आपके पास डिश वॉशर नहीं है, तो वो एक मोटिवेशनल वीडियो थी। तो यहाँ पर आपको ये फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, चार फंक्शंस हैं, इसमें से मैंने जो स्नेल है वो क्विक को कहते हैं, तो क्विक वॉश का मैंने ऑप्शन चूज़ किया है और अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर मौसम बहुत ही ख़राब है, बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। अच्छा भला मौसम अच्छा हो गया था लेकिन फिर दोबारा ठंड आ गई है, तो ये लास्ट संडे को बहुत एकदम अच्छा मौसम हो गया था दोपहर के टाइम, तो हम लोगों ने सोचा कहीं आउटिंग कर आते हैं पास ही किसी जगह पर। चल रही है ना,
तो अभी हम लोग घर वापस आए हैं। बहुत ही बड़ा सा ग्राउंड था जैसा कि आप लोगों ने देखा, बच्चों ने वहाँ खूब दौड़ लगाई, भागे एक दूसरे के पीछे, पकड़न पकड़ाई खेला हमारे साथ मिलकर। तो अभी नाश्ता खा रही हूँ। रात के खाने में कुछ स्पेशल नहीं था, ये फ्रीज़र में मैंने फ्रीज़ की हुई थी शामी टिक्कियाँ, ये बना रही हूँ, और साथ में मैंने मटर पुलाव जल्दी से बना लिया था, तो यही हम लोग डिनर करेंगे। भाई रुक जाओ, मुझे एक तस्वीर बनाने दो काके। मुझे तो ये खाने को दिल कर रहा, अच्छा लग रहा है। रुक जाओ, ये किशमिश वाली ब्रेड है, इसमें बादाम का पेस्ट आपको नज़र आ रहा होगा, और ये मखसूस डच त्योहारों पर जैसे क्रिसमस हो गया, ईस्टर वगैरह, तब ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और सेल की जाती है। और अब मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले मैंने आप सबसे एक सजेशन लिया था, यूट्यूब पर भी मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी कि कौन सी सिलाई मशीन अच्छी है, सिंगर या टोयोटा। तो मैंने अब ये सिलाई मशीन ख़रीदी है, तो उसी का पार्सल आया था, ऑनलाइन ली है, और उसी को देख रही हूँ। मैंने ली है टोयोटा की सिलाई मशीन, और मैंने वैसे फ़िलहाल अभी तक यूज़ नहीं की, तो इसका कोई रिव्यू वगैरह मैं नहीं दे सकूँगी, लेकिन बेसिक जो गाइड है या इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो बेसिक ऊपर लिखे हुए हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो ये है मेरी टोयोटा जीन 17C नवी नवेली सिलाई मशीन। तो अब इसको मैं डब्बे से बाहर निकालती हूँ। इसके साथ जो एक्सेसरीज निकली हैं वो हैं, वारंटी कार्ड है, DVD इंस्ट्रक्शंस हैं, ज़िगज़ैग फुट, ज़िपर फुट, बटन होल फुट, बटन होल कटर है, नीडल प्लेट स्क्रू ड्राइवर है, स्टैंडर्ड नीडल्स हैं, डेनम नीडल्स हैं, डस्ट कवर है, और इलेक्ट्रॉनिक फुट कंट्रोल है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टिचेस भी मिलेंगे, जैसे कि स्ट्रेट, ज़िगज़ैग, मल्टी ज़िगज़ैग, ब्लिंड हेम, स्ट्रेच ब्लिंड हेम, स्कैलोप, शायद यही वर्ड है, रिक रैक, एप्लिक, सी यू ऑन बटन्स, प्लस डेकोरेटिव पैटर्न्स। और ये सारे स्टिचेस जो उनसे हैं वो डब्बे के ऊपर भी मेंशन किए हुए हैं। और ये सिलाई मशीन के ऊपर ही आपको जो नज़र आ रहा है, ये कोई गाइड सी बनाई गई है, इसमें आपको बताते हैं कि धागा कैसे डालना है, इसके अलावा जो नलकी होती है नीचे छोटी सी, उसको कैसे भरना है, और भी एक दो चीज़ें। तो अगर आप में से किसी को इस सिलाई मशीन के फ़ीचर्स या स्पेसिफिकेशंस अच्छी लगी हैं, तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ से आप ये बाय कर सकते हैं। तो मशीन को रखते हैं साइड पर, और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये लॉन्ग स्कर्ट जो कि मैंने खुद बनाया है। मैंने यहाँ पर स्टिचिंग क्लास, जो सिलाई की क्लास होती है, वो भी कुछ अरसा ली थी। एक्चुअली मुझे ज़ुबान सीखनी थी, उसके लिए लैंग्वेज क्लास के अलावा जो भी मुझे क्लास मिलती थी मैं उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा लेती थी, जैसे ज़ुम्बा क्लास हो गई और सिलाई की क्लास हो गई, और इसके अलावा डच क्लास में भी मैं जाती थी, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है बातें करने से, क्योंकि मुझे तो इतनी अच्छी डच आती नहीं थी है। तो वो जो भी बात करते थे सिलाई वाली टीचर, वो रशियन थी, लेकिन उसने बड़ी अच्छी डच सीखी हुई थी, तो वो डच में ही बात करती थी, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई मेरी ज़बान सीखने में भी, और साथ के साथ ये स्कर्ट भी बन गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्री में क्लास थी, और ये जो कपड़ा था ये भी उन्होंने ही दिया था, बस वो ये कहते थे कि बस आप सिलाई सीखने के लिए आओ, कपड़ा, धागा, बटन, मशीन, सारा कुछ वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं आपको। तो आज की वीडियो यहाँ तक की थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।